गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कक्षा 7 विषय हिंदी, और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बाल महाभारत कथा। बाल महाभारत में हम लोग कर्ण नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, और यह सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। यहाँ तक पढ़ चुके हैं, आज उसके आगे देखेंगे। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंगदेश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रंगभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे अंगदेश का राजा घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधीरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण, जो अभी अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ। पिता मानकर खड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक, वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए? यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई। मसालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के बेस में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाला है, परंतु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वह मनन कर ही नहीं सकता था। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। आगे देखेंगे। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। आगे देखेंगे। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मा सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो रहे थे, इतने में एक काला भौंरा कर्ण की जांग के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांग से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए, जांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो?
तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि यह ब्राह्मण नहीं है बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी। एक वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धस जाएगा। आज यहीं तक बच्चों निशान लगा लेते हैं, इसके आगे अगले दिन देखेंगे। थैंक यू।